नमस्कार किसान भाइयों, आज आप देख सकते हैं सोनालिका 60 मॉडल खड़ा है RX, और ये देख सकते हैं इसमें भूसा मशीन लगी हुई है। हमारे साथ भैया हैं, ये खास जानकारी देंगे इस मशीन के बारे में। नमस्कार भैया, आपका स्वागत है एम्पीरियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। भैया, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं, आपका क्या नाम है? मोहित सनोडिया जी। आप कहाँ पर रहते हैं? सूरजनगर जी। देख सकते हैं किसान भाइयों, ये सोनालिका 60 मॉडल है, इसके पीछे ये भूसा मशीन है, इसके पीछे ये ट्रॉली है, इसे स्टोर रिपर भी कहते हैं, विश्वकर्मा का है। भैया आप बताइए, आपके ट्रैक्टर कौन से साल में लिया है आपने? 14 का मॉडल जी, और 60 HP का है, और दे सकते हैं आप, ये 3 सिलेंडर गाड़ी है। भैया आप कित और ये भूसा मशीन आपने कब लिया है? 3rd सीजन जी। और ट्रैक्टर को चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है? लगभग कितने मिनट में एक टैंक भर जाता होगा? 40 से 45 मिनट। और जी, और एक टैंक या एक घंटे में डीजल खपत माने तो कितनी लेती होगी आपकी ट्रैक्टर? एक घंटा ये रेपर पे 6 लीटर ले जी। और आप कौन सा नंबर गियर में चलाते हैं भैया? वो तो लाख के ऊपर है, गीली लाख रहेगी तो एक नंबर पे चलेगा, नहीं तो सूखी रहेगी, 2-3 पे चल जाएगा जी। और इसमें आप बताइए कि PTO चलाने के लिए कौन से लीवर हैं? 740 बस है और रिवर्स PTO है इसमें? हाँ, रिवर्स PTO। हाँ, तो कहीं कचड़ा वगैरह अटक जाता है या जाम हो जाती मशीन तो निकल जाता है जी। अभी कितने घंटे चल गया होगा आपका ट्रैक्टर? लगभग लगभग ये 3800 किलोमीटर चल गया। 3800 घंटे चल गए हैं। इसका डीजल टैंक भी है, कितने लीटर का होगा लगभग? 52-53 लीटर जी। और बोनी बखराने में कितने लीटर लेता होगा? 4 लीटर। और रोटर वेटर पर? 5-5.5। कितने फिट का चलाते हैं भैया? 7.5। हाँ भैया, हम और पीछे से देखा देते हैं आपकी मशीन। आप देख सकते हैं ये 3rd सीजन है भैया का, ये न्यू विश्वकर्मा का इंडिया का नंबर 1 रीपर है। आप देख सकते हैं भैया बहुत अच्छे से मेंटेनेंस करके रखते हैं, तो काफ़ी अच्छी मशीन है ये। बेल्ट वगैरह, चेन वगैरह सारी अच्छी है। ये देख सकते हैं 2021 का मॉडल है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसका पूरे सिस्टम है इसमें। पीछे भी देखिए इस तरीके से ट्रॉली होके, जिसमें दो ऊपर या नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। देखिए ड्राइवर पट्टी है, तो इसके द्वारा ही ऑपरेट होती है ये, ऐसे हाइड्रोलिक से ऊपर नीचे होती है ना भैया, तो अपन को जितनी ऊंचाई से लेना है कितनी ऊंचाई से चलाना है। देख सकते हैं भैया का ये आईशर 485 भी आ गया है अभी। भैया इसके मशीन के आप आइलिंग रेसिंग कितने दिन में करते हो? हर दिन करते हैं जी, तो हर दिन करते हैं जी। तभी आपकी मशीन बहुत अच्छी है। और कितने टैंक बना लेते हैं आप एक सीजन में? एक सीजन 300-350 टैंक। और एक दिन में लगभग 10 से 11-12 टैंक। और कितने रुपए टैंक लेते हैं भैया आप? 13-14 रुपये जी। ट्रैक्टर के बारे में और जानकारी दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है इतने सालों में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं, अभी तक कोई प्रॉब्लम जी। और ताकत के मामले में? ताकत के मामले तो सोनालिका से कोई गाड़ी थी नहीं जी। भैया आप जा सकते हैं भैया, फिर हम आपसे मिलेंगे तो और वीडियो बनाएंगे। देख सकते हैं आप, चालू कीजिए, देख सकते हैं सोनालिका की आवाज़ कितनी शानदार आवाज़ है। देखिए सोनालिका 60 जा रहा है, और ये देख सकते हैं आप, ये दूसरा ट्रैक्टर आ गया है भैया का आई सर 485। ये 3 सिलेंडर गाड़ी है, बहुत दमदार गाड़ी है, 5 स्टार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसी तरह के शानदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे एम्पीरियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।